नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। बढ़ते हैं आज के खबर की ओर। मुंबई पुलिस ने एक 25 वर्षीय व्यक्ति को अपनी प्रेमिका की हत्या करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला बीपीओ कर्मचारी है। व्यक्ति ने उपनगरीय दहीसर में एक आपसी इमारत की पानी की टंकी से धक्का देकर महिला की हत्या करने की कोशिश की। इस पूरे वाक्य में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इस इमारत में आरोपी का कोई दोस्त रहता था। दहीसर थाने के एक अधिकारी ने बताया कि पीड़िता प्रियांगी सिंह पानी की टंकी से 18 फुट नीचे गिरी। पानी की टंकी 15 मंजिला इमारत की छत पर है। उन्होंने कहा, पीड़िता के पिता की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार वे दोनों पानी की टंकी पर बैठे थे। घटना के समय आरोपी नशे में था और उसकी प्रियांगी से किसी बात को लेकर बहस हो गई। इसके बाद गुस्से में उसने प्रियांगी को टंकी से धक्का दे दिया। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि प्रियांगी की कमर में गंभीर चोट आई है और एक अस्पताल में उसकी सर्जरी की गई। आरोपी बोरीवली पश्चिम का निवासी है और वह भी बीपीओ में काम करता है। वहीं पीड़िता और उसका परिवार मलाड़ का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और इमारत में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। स्कूल के समय से एक दूसरे को जानते थे दोनों। बताया जा रहा है कि आरोपी और पीड़िता एक दूसरे को स्कूल के समय से ही जानते थे। आरोपी ने 3 महीने पहले बीपीओ कंपनी ज्वाइन की थी। पता चला है कि दोनों में अक्सर ही झगड़ा होता रहता था, लेकिन इस बार स्थिति ज्यादा बिगड़ गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 हत्या के प्रयास के तहत केस दर्ज किया है। गुरुवार को आरोपी को लोकल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से वह 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।